स्वागत है जिवलोक के एक और नए ब्लॉग में। सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है। अगर मेरी इन एक्सरसाइजों या डाइट वगैरह जो भी चीज़ें डालते हैं तो इनसे ब्लॉग से किसी को थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा होता है तो मैं अपने एक इंसान भी फ़ायदा उठाता है तो मैं समझूंगी कि मेरा ब्लॉग सक्सेसफुल रहा है। और नमस्ते, राम राम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे? ये बैठी ऐसा अलार्म है, यो सारी रात बजता रहता है। चुप ही नहीं होती, इतनी बोलती है, ये थक जाते इस टाइम तक सारी रात। नहीं, मेरा तो 4 बजे का अलार्म हो रहा है। लगी भाई बोलने 4 बज गए हैं, पर बेटा कह रहा है, बेटा के रूम होता है इसके पास ही, बिल्कुल नहीं होगा, सारी रात बोलती है, 1-2 बजे भी लग रही है। एक्सरसाइज करते हुए बाद बीच में कोयल के बारे में लगी थी बताने, साथ में एक्सरसाइज चल रही थी और कोयल इतनी बोलती है, रात को भी नहीं रुकती, 2-3 दिन से ज़्यादा बोल रही है, चुप ही नहीं हो रही, बिल्कुल लगातार लगी हुई है, क्या बात है? वेलकम है इस लोक में, पसीने हुए हैं बिल्कुल ही। सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं, सूर्य महाराज निकल के दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, और अपना 1.5 घंटा सारा मैंने लगा लिया, पसीने दिखने ही लग रहे हैं सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार वाला मेरा डेली का है, पर करना चाहिए इंसान को, चाहे 10 मिनट करो चाहे 20 मिनट करो, हेल्दी रहने के लिए, ना कि पतला होने के लिए। पतला तो अपने आप होता जाता है, पर एक एज में आके हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले कुछ तो देती हूँ पौधा में पानी, देखती पानी देती हूँ, नहीं फिर आज एक बार आना है। सारे एसियाँ के पंखे लगे हुए हैं, सारे धोने हैं, क्यों गर्मी होने लगी, बच्चे अब चलाने लगेंगे, रे एकदम चला देंगे। सर्विस वाला तो 700-800 रुपये झाड़ लेगा एक बार में, तो सारे के पाइप लेके एक बार 2 बजे जाऊँगी। और बेटे का है पेपर आज एंट्रेंस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, तो उसके कारण काम को निपटाना है मैंने जल्दी जल्दी, 9 बजे उसका स्टार्ट है, फिर 1-1.5 घंटा कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं करना है हमने, तो उस टाइम देख के जाऊँगी, उस टाइम देखूँगी, 2 बजे जाऊँगी, टाइम दूँगी, क्यों नीचे मैं रहूँगी तो फिर कुछ ना कुछ काम लगी रहूँगी, फिर 11 बजे के बाद ही करूँगी जो भी काम करूँगी, तो 2 घंटे में कोई काम नहीं करूँगी, करूँगी तो सहज करूँगी, बिल्कुल आवाज़ नहीं आए, क्यों पेपर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है ऐसी आवाज़ आती है तो, एंट्रेंस चल रहा हो ऑनलाइन, करे तो दरवाजे बंद का वैसे, पर यूँ है क्यों, फिर बच्चे का फ्यूचर का है, कहीं एडमिशन अच्छी जगह हो जाए तो अब जाके फटाफट नीचे काम करती हूँ। 9 बजे तक जितना निपटाया जाएगा, उसके कमरे का पोछा भी पीछे का भी सारा मैं नहीं करना है, क्यों अंदर अंदर को रहेगा वो तो आती फिर 11 बजे है, बाई चांस वो आती भी है तो फिर अपना चुपचाप अंदर का थोड़ा बहुत कर जाएगी, वैसे भी वो इतनी बोलिया नहीं करती ना ही आवाज़ कराया करती, तो मैं अपना जाकर ना करती हूँ, बाद में मिलते हैं, बने रही हो। 7 बज गए, स्वागत है इसी लोक में दोबारा, फिर 7 बज गए, 7 बजे 7 हो गए, 7 बजे नारियल पानी वाला आ रहा है, तो इसका यो टाइम है, इस टाइम आता है, पूरी गली वाले ले लेते हैं जिसको भी लेना हो, तो मैं भी इसको रोकती हूँ। ऐसे ही कैसे 50 दो कर दे, पानी वाले करना, रुक के पीना 11 बजे ही, सुबह ही सुबह लेता है, इतना माँ इतना तो जा लिया तू एक राउंड लगा कर ना, हाँ ले में थे ना फिर देखा नहीं तेने, मैं चल दोबारा आओगा तो जब लेते हैं, ले आई इसका सुबह सुबह का, सुबह सुबह ले गली में राउंड लगा जाए, अपना माइक का ले रहा है, स्पीकर होना नहीं होता उसी में हमने आवाज़ करके ना, तो कल लेती तो मैं ऊपर, तो बच्चे नहीं लेते किसी दिन, नहीं तो आती हूँ, एक माँ अपने लिए रे, कोई माँ बेटा ले ले, फिर कई बार दोनों ही यहीं पी जाते हैं दोनों भाई, तो डेली 2 ही लेती हूँ, क्यों फिर वो पड़ा रहे तो फिर ख़राब भी होता कटवाने के बाद, तो अब मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी अपने, क्यों तो जबकि काम ही लग रही थी किचन में तो पी नहीं थी अब तक, फिर काम भी करना है, एक रूम में और पीछे को झाड़ू पोछा करना है तो वो करूँगी, कपड़े नहीं धोऊँगी क्यों फिर मशीन की आवाज़ आएगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए कपड़े या तो शाम को देखूँगी या फिर कल देख के, तो बने रही होगी। अंदर को बेटे के रूम में को तो कर दिया था मैंने सारा, झाड़ू पोछा उसका बाथरूम भी धो दिया था, डस्टिंग भी फेरी हो, पीछे कोई लगी हुई थी मैं, क्यों फिर ललिता करेगी तो बाहर पानी चलाएगी और बाल्टी में गिरेगा तो आवाज़ आएगी, तो वो ही नहीं चाहती थी मैं पीछे को बिल्कुल भी आवाज़ आए, क्यों अगर दरवाजे बंदर को आवाज़ नहीं आनी तो मतलब नहीं आनी,
फिर मैं लगी थी सत्तू का शेक बनाने में। सत्तू में वैसे प्रोटीन होता है, सूर्य नमस्कार करती हूँ तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मैं डिब्बा बंद नहीं लेती, यही अपना प्रोटीन है। इसमें आधा केला डाल लिया था और लो फैट दूध डाल लिया था और बाद में थोड़े सीड्स डाल दिए थे, तो एक बढ़िया सा प्रोटीन हो जा वही यो। तो फिर छत पर आकर लगी थी मैं एसी के जो पंखे हैं उनकी सफाई करने, क्यों बहुत मिट्टी घुसी हुई थी और चलाने का हो रहा है, अब क्यों गर्मी लगती है रात को। दिन में तो फिर भी चलो काम चल जाता है, तो पाइप लेकर सारे एसी मैंने साफ कर दिए थे, धोया ही हूँ सारे एसी। गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, हुई थी और सर्विस वाले ने भी आकर वो पानी की पाइप ही मारनी है, उनकी मिट्टी निकालनी है, कुछ नहीं करना ऊपर से, नीचे ही होंगे कैसे कुछ ख़त्म हो जाए जब देखेंगे ना। ऊपर वाला तो करिया ही, नीचे का कर दे क्यों, इतना एक दिन में ज़्यादा हो जाता है, और आज ही कर दिया तो आज ही चला ये हो जाएगा। फिर तो बने रही हो लोग में, फिर बना रही हूँ ना शाही पनीर और ना बटर पनीर मसाला, दोनों का मिक्सअप कर रही हूँ, क्यों एक शाही पनीर खाता है और एक बटर पनीर मसाला खाता है, तो दोनों का बीच का कंबाइंड करके इनके हिसाब से बनाऊँगी आज मैं। तो अब मैं बनाती हूँ, सारी तैयारी मैं करके रख रही हूँ अपनी पहले ही, क्यों मैंने मिक्सी नहीं चलानी थी तो इसलिए मैंने पहले ही कर दिए, अपनी पहले ही करी हुई है। बनेगा सेम शाही पनीर की तरह ही, पर थोड़ा उसमें कुछ बटर का मिक्सअप करूँगी, कुछ और कुछ करूँगी, तो बना लेती हूँ मैं। वैसे बेटा पूछ भी रहा था क्या बनाओगे, मैं कोई नहीं तू देखता रहिए क्या बनाऊँगी फिर बताना क्या बनाया है। तो घी लेके ना उसमें अच्छा बटर डाल दिया था, क्यों अकेला बटर डालती तो वो जलता, फिर सारे खड़े मसाले डाल दिए थे और जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। इसमें मैंने ना पनीर को मैश कर लिया था ताकि ग्रेवी और गाढ़ी हो जाए और उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आए, बच्चों को यूँ भी नहीं पता लगे ये बनाया क्या है, तो खाने में उनको टेस्टी लगे, तो वही चीज़ बनाई थी। बाद में कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी। हरियम पानी पी रही हूँ, आज नसीब हो यार ना छोटा ही कोई नहीं थी। अरे भाई आज तो मेरा मन कर रहा है भाई ऊपर से ऐसे ऐसे तो हो गया यहाँ पर, मैं आज मैं पीऊँगी सही देगा जाता है, गली में दे जाओ गेट के आगे, सुबह सुबह ज़्यादातर ही लेते हैं मोस्टली गली ले आकर, पूरे सेक्टर में हुआ अगर अभी 2-3 घंटे में खाली कर दिया अपनी रेडी ने। मैं पी लूँ अपना पानी, एंजॉय कर लूँ, अच्छा लग रहा है, भरिया पड़ा है। ये फिर मेरी माँ आ गई थी नीचे से, न जाना था गांव में, कोई डेथ हो रही थी, फिर फोन आ गया किसी का, फोन पैसे लगे हुए, पहले तो इधर इस साइड मेरे पास बैठी हुई थी, सरक दी उस तरफ जा ली, कभी सोफे को रगड़ा कभी अपने सूटन। फोन पे तो ऐसे लग जाओ पता नहीं होता कहाँ बैठी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।